यार धड़क 2 आ रही है और इसमें ना हमें एक नई सी जोड़ी देखने को मिलेगी। अब तुम बोलोगे कि सुहानी, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी तो पहले ही बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं, उनकी मूवी भी आ चुकी है काफी सारी। लेकिन यार तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ऐसा पहली बार होगा कि भाभी 2 किसी मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने वाली है। क्यों सही कही ना मेरे बात। यार इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ है और टीजर देखकर लग रहा है कि भाई बहुत दुखों भरी कहानी है ये तो। शुरुआत में खून से लिखा होता है कि एक राजा थी एक रानी थी, दोनों की जात अलग थी तो खत्म कहानी थी। मतलब मोटा मोटा हमें समझा दिया है कि दो प्यार के परिंदे हैं और उनकी कास्ट अलग होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। यही पूरी लव स्टोरी हमें मूवी में भी दिखाई जाएगी। भाई ये सब चीज़ें देख कर ना एकदम से मुझे धड़क की याद आ गई। वो कहानी थी प्यार इश्क मोहब्बत करने वालों की जो जात पात की वजह से एक नहीं हो पा रहे थे, और इसमें भी हमारी करण चाची ने सेम फॉर्मूला अपनाया है। लगता है कि वो जात पात वाली ना एक नई फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े स्मार्ट है वैसे करण चाची। इसके अलावा पहली धड़क एक मराठी फिल्म की कॉपी थी, यानी कि एक रीमेक थी। ध्यान से सुनना तुम मेरी बात। और धड़क 2 में भी करण चाची ने सेम काम किया है। ये भी एक तमिल फिल्म प्रियरम पोरुमल की कॉपी बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल धड़क में एकदम नई सी पेयरिंग थी, दो नए कलाकार थे ईशान खट्टर और जानवी कपूर। तो इस बार भी करण चाची ने सेम फॉर्मूला अपनाया है तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी को लेकर। अब करण चाची को कौन समझाए कि चाची जी हर बार ये सेम फॉर्मूला काम नहीं करता है, और खासकर जो ये नए नवेले बच्चों को आप कास्ट कर लेते हो ना, जरूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म तक हिट बने रहे। मतलब एक बार की पब्लिसिटी के लिए अच्छा है, लेकिन फिल्म रिलीज होते 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 कहीं आपकी मछली पानी में ना चली जाए। वैसे यार तुम्हें याद होगा कि जोया अख्तर की द आर्चीज भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसमें खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा ने पहली बार साथ में काम किया था। अगस्त्य नंदा का काम मुझे काफी ठीक ठाक लगा था और खुशी ने भी काफी अच्छी कोशिश की थी। ये भी एक ऑन स्क्रीन जोड़ी है जो अभी हमें थोड़ा टाइम पहले देखने को मिली थी। और साथ ही साथ इन दोनों की एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि दोनों स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। वैसे हमारे सिद्धार्थ गली बॉय और हमारी भाभी 2 ऑन स्क्रीन जोड़ी में कितने नंबर पर रैंक करती है और कैसी लगती है इनकी केमिस्ट्री, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बॉलीवुड तो फॉर्मूले पर काम करता है, पता ही है तुम्हें। देखो भी शान्या कपूर, अरे संजय कपूर और महीक कपूर की बेटी, वो लक्ष्य लालवानी के साथ करण जौहर की फिल्म बेधड़क में भी पहली बार साथ काम करने वाली है। बाकी यार इनका काम भी देखने वाला होगा कि भाई आने वाले टाइम में ये फ्रेश जोड़ी स्क्रीन पर कैसे लगती है। वैसे यार एक और जोड़ी का मुझे बड़ा इंतजार है। विक्रांत एमएससी 12th फेल के जरिए ऑलरेडी एक हमें दे चुके हैं, अब साबरमती भी उनकी आने वाली है थोड़ा टाइम में। और तुम्हें बता दूं कि मानुषी छिल्लर के साथ भी विक्रांत एमएससी तुम बिन 2 का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। तो भाई ये सारा जो फॉर्मूला चल रहा है ना नए नवेले लोगों को लेकर कास्ट करने का और एक हिट बनाने का, ये मेरी समझ में तो आ गया है। अगर यार तुम बताओ तुम धड़क 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो? यह कहानी सुनकर तुम्हें लगा कि भाई ना ना ऐसी बहुत सारी फिल्में देख ली हमने, इस टाइप की अब कोई मूवी नहीं देखनी हमें, बताना जरूर। मैं मिलूंगी तुम्हें कब? अरे यार नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक कुछ नई गॉसिप निकाल कर लाऊंगी बॉलीवुड से। तुम फिल्मी चार्ट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।